नीम करौली बाबा के पास था बुलेट प्रूफ कंबल। क्या है नीम करौली बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी? बाबा के हर वक्त कंबल ओढ़े रहने का क्या है किस्सा? किसने बजरंग बली के भक्त बाबा नीम करौली को दिलाई अंतर्राष्ट्रीय पहचान? भारत को ऋषि मुनियों की धरती के नाम से जाना जाता है। पुरातन काल से लेकर अभी तक भारत कई महात्माओं और महापुरुषों का जन्म रहा है। इन्हीं महात्माओं ने अध्यात्म को पूरे विश्व में प्रचारित किया। संत महात्मा लोग हमारे जीवन को प्रकाशवान करते हैं, अपनी सुख सुविधाएं त्याग कर देश का भी कल्याण करते हैं। ऐसे ही है संत नीम करौली बाबा, उनके भक्तों में देश विदेश के तमाम दिग्गज शुमार हैं। नैनीताल के पास पंत नगर के उनके समाधि स्थल पर आज भी हजारों की तादाद में भक्त इकट्ठा होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। नीम करौली बाबा के भक्तों में फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग से लेकर एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स तक शामिल हैं। नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। कई ऐसे रोचक किस्से हैं जिससे बजरंग बली के आराध्य के लिए और ज्यादा सम्मान बढ़ जाता है, वो और ज्यादा पूजनीय बन जाते हैं। नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़ा एक किस्सा उनके कंबल से भी जुड़ा हुआ है। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि नीम करौली बाबा बिना अपने कंबल के कम ही दिखते हैं। बाबा हमेशा एक मोटा कंबल ओढ़े रहते थे। क्या बाबा के इस मोटे कंबल के पीछे कोई राज छिपा है? क्या बाबा के इस कंबल के बारे में कुछ ऐसा है जो लोग नहीं जानते हैं? इस बात का खुलासा रिचर्ड अल्पर्ट करते हैं, जो साल 1967 में नीम करौली बाबा से प्रभावित होकर कैंची धाम पहुंचे थे। अमेरिका के रहने वाले रिचर्ड अल्पर्ट बाबा से मिल उनसे इतने प्रभावित हो गए थे कि बाबा से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए थे और उन्होंने अपना नाम बदलकर अल्पर्ट रामदास रख लिया था। अल्पर्ट रामदास ने अपने गुरु बाबा नीम करौली पर लगभग 15 किताबें लिखी। इनमें सबसे ज्यादा मिरेकल लव किताब प्रसिद्ध हुई। इस किताब के जरिए बाबा नीम करौली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इस किताब में बाबा के कंबल ओढ़ने को लेकर एक किस्सा है जो काफी फेमस हुआ। बाबा पर लिखी गई किताब मिरेकल ऑफ लव में जिक्र किया गया है, जो कि साल 1943 की बताई जा रही है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से कई भारतीय भी लड़ रहे थे। इसी युद्ध में वर्मा फ्रंट पर एक बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा भी था। एक दिन बाबा उस दंपति के घर पहुंचे। बुजुर्ग दंपति ने अपना दुख बाबा को बताया तो बाबा बोले कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा एक माह में वापस आ जाएगा। उस रात बाबा अपना कंबल लपेटकर बिना खाए पिए दंपति के घर ही सो गए थे। रात में बाबा के करहाने की आवाजें आईं। दंपति ने सोचा कि बाबा भूखे सोए हैं और ऊपर से इस तरह से करहा रहे हैं, जरूर उन्हें कोई कष्ट होगा। किताब में दंपति के हवाले से लिखा है कि बाबा ऐसे करहा रहे थे जैसे उन पर कोई लाठियां बरसा रहा हो। इसे देखकर दंपति भी रात भर काफी परेशान थे। अगली सुबह बाबा ने उठते ही सबसे पहले अपना कंबल मोड़कर दंपति को देते हुए कहा कि इसे बिना देखे बिना खोले ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दो। दंपति ने बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए कंबल उठा लिया। कंबल बहुत भारी था, जैसे उसमें कोई बहुत वजनी सामान रखा हो, लेकिन बाबा की आज्ञा मानते हुए उन्होंने उस भारी कंबल को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। जब युद्ध खत्म हुआ तो दंपति का बेटा सकुशल वापस लौटा। उसने अपने माता पिता को फिर एक वाक्य सुनाया, जो ठीक उसी दिन का था जिस दिन बाबा दंपति के यहाँ ठहरे हुए थे, जिसे सुनकर दंपति दंग रह गया था। दंपति के बेटे ने सुनाया कि युद्ध के दौरान वो जापानी सैनिकों के बीच में अकेला फंस गया था, लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि उस रात जापानी सैनिक गोलियां बरसाते रहे, लेकिन एक गोली छू तक नहीं पाई। दूसरे दिन सुबह ब्रिटिश फौज सहायता के लिए आई और सकुशल वापस आ गया। इस वाक्य को सुन बूढ़े दंपति की आंखें भर आईं, क्योंकि उनका बेटा जिस रात का जिक्र कर रहा था वो वही रात थी जब बाबा रुके थे और दर्द से बहुत जोर से करहा रहे थे। फिर उनको उस दिन बाबा के करहाने और कंबल का राज समझने में देर नहीं लगी। नीम करौली बाबा के भक्त इसलिए उस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल भी कहते हैं। आपको बता दें, नीम करौली बाबा का मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म सन 1900 के आसपास फिरोजाबाद के अकबरपुर में हुआ था। पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। बाबा नीम करौली की प्रारंभिक शिक्षा अकबरपुर में ही हुई, लेकिन 11 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया था। बाद में वो अध्यात्म की तरफ मुड़ गए थे। नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए। आपको बाबा का ये बुलेट प्रूफ कंबल वाला किस्सा कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।